हेलो फ्रेंड फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए मैं ल्यूमिनस का प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ, जो कि इस प्रोडक्ट की मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके दिखाया था कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या बॉक्स में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड हो रही है और क्या क्या इसमें मिलता है आपको। और इस वीडियो में मैं इसका इन्वर्टर का रिव्यू देने वाला हूँ और बताऊँगा आपको क्या क्या इसमें चीज़ आपको मिलती है, क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह इन्वर्टर के हैं। तो उस वीडियो का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं और दिखा दें आपको प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रोडक्ट। फ्रंट में आप कुछ देखेंगे तो सोलर एनर्जी 1100 ये मॉडल है, और फ्रंट में आप देखें तो मेन्स ऑन की यहाँ LED दी हुई है। ये आपकी सोलर चार्जिंग, जब भी आप इसे सोलर से कनेक्ट करेंगे और उस टाइम पे आपका धूप होगी तो ये सोलर की चार्जिंग आपको दिखा दे। ये आपकी मेन चार्जिंग है, मेन्स इलेक्ट्रिसिटी से आपको जो चार्जिंग मिल रही है ये आपको वो दिखाएगा। ये पावर सेवर एक स्विच है, इसके अंदर मतलब मोड है इसका पावर सेवर। ये पावर सेवर मोड एक्टिवेट होता है तो ये आपका इस टाइप से जल जाएगा। फ्रंट में कुछ देखेंगे आप तो ये इन्होंने अपने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करे हुए हैं फ्रंट में ही। कभी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे पर कॉल कर सकते हैं और आपका ऑनलाइन ये कंप्लेंट हो जाती है और इंजीनियर आपके घर पे विजिट करके इसे फ्री ऑफ कास्ट ओके करके चले जाता है। इसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे इको मोड दिया हुआ है, जो कि आपका इन्वर्टर मोड है। ये इको मोड पे आपका काम करेगा और इसमें UPS मोड भी है, वो आप पीछे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद ऑन बैटरी, जब भी आप अपना UPS मोड ऑन करेंगे मतलब इसे स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट जाने पर ये आपका ऑन बैटरी पर आ जाएगा। कभी आपकी बैटरी लो होती है तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करना चालू कर देती है। और कभी आपका ओवरलोड हो जाता है, मीन्स इससे ज़्यादा आपने लोड डाल दिया इस पे इन्वर्टर पे, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये आपका वन टच ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से सिंपली आप वन टच करेंगे तो ऑन और वन टच ऑफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ल्यूमिनस का आपको यहाँ पे बैजिंग प्रोवाइड हो रही है, काफ़ी अच्छी और स्लिक डिज़ाइन में बैजिंग मिलती है। आप इसे टच करेंगे तो आपको काफ़ी फील महसूस होगा कि हाँ, ये ल्यूमिनस जेन्युइन प्रोडक्ट है। और इसके हम कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो मैं आपको वो भी बता दूं। तो इसमें हमें जो मिलता है वो इसकी 12 वोल्ट का हमारा प्रोडक्ट है और 12 वोल्ट में आपको इसमें बैटरी कनेक्ट करती है। और इसमें जो पैनल कनेक्ट होंगे वो आप 1000 वाट तक पैनल कनेक्ट कर सकते हैं इस पर। और जो इसकी मेन हाई कट है, जो कि मेन आपका, तो ये 290 वोल्ट तक काम करेगा आपका, और प्लस माइनस 5% आपका हो सकता है ऊपर नीचे। और ये जो मेन लो कट होगा, जब 110 से नीचे वोल्टेज आ जाएंगे आपके तो ये आपका कट हो जाएगा, 110 से नीचे काम नहीं करेगा ये इन्वर्टर आपका। और ये आउटपुट आपको देगा 220 के आसपास, प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो सकता है। और इसकी GHz होती है, जो 50 GHz पे काम करता है। और ये इन्वर्टर है जो कि साइन वेव मॉडल है और ये साइन वेव पे भी काम करेगा आपका। और इसमें जो दिखा हुआ है आपको, मैंने दिखाया कि यहाँ पे UPS मोड इसके पीछे दिया हुआ है, तो ये चीज़ इसमें अच्छी दी हुई है। और इसमें कुछ फीचर मैंने आपको फ्रंट में बताई दिए हैं। और इसमें दो बार बीप की आवाज़ आती है, 2 सेकंड की आवाज़ करता रहता है कंटिन्यूसली बीप की, जब भी आपका इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है। और ये जब बैटरी ऑन होगी आपकी तो ये 5 बार इसका बीप करेगा, मतलब जैसे ही आपकी लाइट जाएगी तो ये 5 बार बीप करता है, बीप की आवाज़ में देता है। और बाकी इसका वेट की बात करें तो करीब 12 किलो के आसपास इसका वेट है खाली वेट पे। और ग्रॉस वेट की बात करें तो करीब 13 किलो के आसपास इसका ग्रॉस वेट है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं और बताने के लिए, और मैं आपको इसके फीचर वगैरह तो बता चुका हूँ। और एक और फीचर थोड़े से रह गए हैं, वो भी आपको बता दूँ। इसमें क्या है, जैसे कि आपकी कभी लाइट जाती है और आपका सोलर से कनेक्ट है तो ये आपका पहले सोलर ही यूज़ करेगा और बैटरी को स्टोर कर देता है ये। और कभी लाइट आपकी आती है और सोलर भी है तो फर्स्टली आपकी ये पहले सोलर यूज़ करेगा, उसके बाद आपका बैटरी से यूज़ करेगा। तो इसकी ये प्लस पॉइंट है इन्वर्टर के। और हम चलते हैं पीछे की तरफ, दिखाते हैं आपको पीछे कैसा इन्वर्टर है, तो पीछे भी आपको दिखा दूँ। पहले सबसे पहले आपको साइड में दिखा दूँ इन्वर्टर के साइड में कैसा है। तो साइड में इस टाइप से आपको दिखता है इन्वर्टर, और ये सील्ड हो गई है तो वारंटी प्रोडक्ट आप नहीं खोलें तो ये अच्छा है। और इस टाइप से आपको पीछे दिखा दूँगा, तो ये हमारा पीछे है। और पीछे में इसमें 2 LED प्रोवाइड होती हैं, जो कि आपकी बैटरी में कनेक्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे एक माइनस पॉइंट इन्वर्टर ने ये करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आपको कोई प्लग प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो प्लग आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा और यहाँ आप इसे लगा सकते हैं।
यहाँ पे आपका फ्यूज़ दिया हुआ है, मतलब फ्यूज़ इन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है, लेकिन ये आपके एक MCB की तरह से वर्क करता है। जब भी आप मन टच करेंगे, कभी कोई हैंग आ जाता है इन्वर्टर में, तो आप इसे टच करेंगे तो ये रीसेट हो जाता है इन्वर्टर। यहाँ से आपकी आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने यहाँ भी जो भी आपको चलाना है इन्वर्टर से वो कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तो इसमें से सील नंबर प्रोवाइड करा हुआ है, जो कि आपकी वारंटी पीरियड में काम में आता है। तो ये चीज़ आप कभी छुटाएं ना, और ना ही किसी को छुटाने दें। और यहाँ पे आप देखें तो ये फ़ैन लगा हुआ है, और फ़ैन का वर्क होता है, कभी भी आपकी इन्वर्टर हीट होता है तो ये चल जाता है, और कभी भी चार्जिंग होती है तो उस टाइम भी ये इन्वर्टर आपका फ़ैन को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे आप देखें तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पीछे भी आपको मेंशन हुआ हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने दो पैनल के लिए वायर दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी आप देखें तो अप टू 1000 वोल्ट तक आप इसमें पैनल लगा सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट तक है। इसलिए 12 वोल्ट से ऊपर का पैनल आप ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि बैटरी आपकी 12 वोल्ट से ही है, इन्वर्टर ही 12 वोल्ट का है, तो इस पर आपको 12 वोल्ट के ही पैनल लगाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं, उसमें हम आपको ये चीज़ खोल के दिखाएंगे, और उसमें आपको दिखाएंगे कि किस क्या क्या इसमें चार्जिंग सिलेक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप अपने चार्जिंग सिलेक्शन को कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और भी यहाँ से दे दूँ, क्योंकि आपके बैटरी टाइप ट्यूबलर है, फ्लैट है, और यहाँ पे और जेल है, और यहाँ पे आई चार्जिंग और ऑन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेस 2 सेकंड तक आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका आई चार्जिंग से मतलब मोड चेंज हो जाएगा। इस मोड की और इस चार्जिंग सिलेक्शन की बात करते हैं हम अगली वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहाँ हम करते हैं यहाँ पे एंड, और बाकी तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही मैं इसके लिए प्रोवाइड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दबा देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छी से अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।